नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया में गड्ढा मुक्त सड़क का दावा फेल। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जनपद के ग्रामीण इलाके की बदहाल सड़कें मरम्मत के लिए अधिकारियों की राह देख रही है। इन जर्जर सड़कों पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। बावजूद इसके विभाग की नजर इन सड़कों पर नहीं पड़ रही है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का फरमान सुनाया। जनपद की कुछ सड़कों की मरम्मत भी हुई, लेकिन गांवों की सड़कें वैसी ही हालत में रह गई। कुछ ऐसा ही हाल बेलरी रेवती विकास खंड के दुधेला छोटकी बेलरी है। लोगों का कहना है कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारी सुधी नहीं ले रहे। शिवजी सिंह प्रधान प्रतिनिधि दुधेला का कहना है कि आने दिन दुर्घटना होता है और गर्भवती महिलाओं ले जाना खतरे से खाली नहीं होता है। शिवजी सिंह पूर्व प्रधान दुधेला, वर्तमान में मेरी पत्नी मालती सिंह प्रधान है। ये आपके यहाँ रास्ते बहुत देनी है आने पर, चाहे वो गड्ढा हो, ये खुद आदमी वहाँ गिरने की नौबत आ गई थी। नहीं तो सही है, जो हम तो मान लीजिए कि इसके लिए संबंधित अधिकारी के संज्ञान में हम दिए हैं कि पचरूखा से और दुधैला अघैला मुड़ाडी मझौवा छोटकी बिलहरी ये सारे लोगों का आवागमन बाधित हो गया है इस मार्ग के वजह से। जबकि सारे ये तलगाई का गांव है, इसमें आना जाना एक मार्ग NH 31 को जोड़ने वाला मात्र एक पचरूखा और मझौवा रोड है और उसकी स्थिति आप देखे भी है। बस सत्य की मझौवा और दुधैला के रोड की स्थिति तो ठीक है, लेकिन पचरूखा से दुधैला अघैला बेलहरी ये सारे मार्ग अति मैंने खराब में है और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि भाई ये उक्त मार्ग को गड्ढा मुक्त कम से कम किया जाए ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा मिल जाए। क्या घटनाएं होती हैं रोड पर? प्राय देखिए, प्राय एक्सीडेंट तो हो जाता है छोटी मोटी, तो ये तो मान लीजिए कि चलने वाली बात है। यहाँ से जाने के लिए किसी गर्भवती महिला को अगर भेजा जाए तो सारे सुविधा होने के बाद इतनी डिस्टर्ब है वो रोड की, जाने में बड़ी असुविधा है। और यहाँ कोई एनम ओनम है नहीं इस क्षेत्र में, एनम सेंटर बना भी है तो कोई एनम नहीं है, आज तक एनम यहाँ कोई नियुक्त नहीं हुई, तो इस सारे सबसे बड़ी महिलाओं के लिए दिक्कत है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।